हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहाज क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। आज है 1 फरवरी और अभी टाइम हुआ है 1:45 और मैं अभी शावर लेके आई हूँ। रीज़न ये है, सुबह से आज हमारी सोसाइटी में पानी नहीं था और बहुत मुश्किल हुई। आज बहुत देर से वेट कर रही थी पानी आएगा और पानी भी सिर्फ मम्मी पापा के रूम में ही आ रहा है, ये वाला बाथरूम में अभी, क्योंकि अभी पानी शायद फिल हो रहा है सब टैंक में। और फिर इस वाले बाथरूम में मैंने शावर लिया। तो ऐसे आज मैंने मतलब लेट मेरी मॉर्निंग शुरू हुई है। सुबह से कैसा ना, अगर शावर नहीं लो तो लेज़ी लेज़ी सा लगता है और फ्रेश फील नहीं होता है। और जो हॉट वाटर वाली टैप है उसमें तो पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा था और ठंडे पानी में नहा के आई हूँ। और मुझे ना ठंडे पानी में नहाने की मतलब बिल्कुल ही आदत नहीं है बचपन से। तो जैसे मतलब ठंडे पानी में लोग नहा लेते हैं ना, लेकिन मुझे नहीं मतलब सुहाता था। तो मैं मतलब हमेशा सा मतलब जो ठीर पानी का उतार के है गर्म पानी से, वैसे ही हमेशा नहाती थी। और ग्लासगो में रहने के बाद तो बिल्कुल ही आदत छूट गई और यहाँ बाथरूम में हॉट वाटर वाली टैप में तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा था। तो गीजर वगैरह कुछ भी मतलब फ़ायदा नहीं हुआ, तो ठंडे पानी में नहाई। तो मेरे को पहले लगा मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है क्योंकि मुझे अंदर वॉमिटिंग टाइप हो गया। तो अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धूप आ रही थी क्योंकि इस समय तक ना सब जगह से धूप चले जाती है। तो यहीं पे मैं खड़ी थी अभी कि थोड़ा सा कुछ सनलाइट ले लेती हूँ और थोड़ा सा वार्म फीलिंग ले लेती हूँ, क्योंकि एकदम से ना मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। तो आदत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जिन लोगों को आदत होती है ना ठंडे पानी से नहाने की वो नहा लेते हैं। मुझे मतलब है नहीं, सब लोग नहा लेते थे मेरे घर में लेकिन मुझे नहीं है। इधर से ना फेस पर धूप में खड़ी थी तो बहुत ज़्यादा अंधेरा आ रहा था। और आज है बहुत ही स्पेशल डे, आज हम लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी है। तो मॉर्निंग देखो आज कैसी शुरू हुई। सोचा था कि जल्दी ना आएंगे और जल्दी से मम्मी ने बोला था कि यहाँ पे पास में शिव मंदिर है, वहाँ पे जल चढ़ा के आ जाना, लेकिन पानी नहीं था, नहाना भी नहीं हुआ। तो लंच मैंने बना दिया है, लंच बिल्कुल सिंपल बनाया है क्योंकि आज डिनर बाहर ही करेंगे हम लोग, स्पेशल डिनर रहेगा। तो मैंने सोचा कि इतनी देर में लंच तो मैं बना देती हूँ, क्योंकि नहाने का वेट करती फिर लंच बना दी तो पता नहीं कितना टाइम बीत जाता। तो आज छोले चावल बनाए हैं सिंपल वाले। तो एनिवर्सरी बर्थडेज जो भी होते हैं उसमें स्पेशल का मतलब वही होता है कि जो आपको पसंद है खाना तो वो बनाओ। मेरा तो फंडा यही है, तो मुझे छोले चावल पसंद है खाना तो वही बने हैं। तो बस अभी गरम गरम सर्व करेंगे, वही खाएंगे। मेरा सब लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि मैंने बोला कि मुझे 5 मिनट दे दो। बस अभी शावर लेके आई हूँ और मैं थोड़ा सा यहाँ पे खड़े हो जाती हूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस किया था कि बहुत स्पेशल डे है, तो उसमें काफ़ी लोगों ने गैस भी कर लिया कि आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अब तो बहुत लोग मुझे 2-3 साल से फॉलो कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर भी हो गए हैं और अच्छे से जानते भी हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोगों को जिन लोगों ने गैस किया। तो बस अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा सनलाइट लूँगी और उसके बाद जाऊँगी मैं लंच करने के लिए, और जैसे जैसा आज का दिन रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फाइनली अभी लंच हो गया है और लंच के बाद हम लोगों ने खाई, जो परसों रात मैंने पुडिंग बनाई थी ना वो थोड़ी सी बची थी, साथ में आइसक्रीम, मेरी फेवरेट है वो, और रियली बनी भी बहुत अच्छी थी। सौरभ बोल रहे हैं कि तुम तो केक बनाने में एकदम एक्सपर्ट हो गई हो। जल्दी आपके साथ में उसकी रेसिपी शेयर करूँगी और आप ज़रूर ट्राई करना, आपको आई एम श्योर कि पसंद आएगी। तो बस अभी आई हूँ रूम में और आज मैंने जो पहना है ना, ये मेरा इकत का कुर्ता है और इसके नीचे मैंने ये प्लाजो पहना है। तो ऐसे इसके नीचे मैंने ब्लैक कलर का प्लाजो पहना है और इकत का कुर्ता लेने का मेरा बहुत मन था क्योंकि अच्छा लगता है, स्मार्ट लगता है। और बस अभी करेंगे थोड़ा सा रेस्ट और फिर शाम को केक कटिंग वगैरह करेंगे और जाएंगे बाहर। तो देखते हैं डिनर, या तो हम मतलब बाहर ही करना है डिनर। एक्चुअली जो मैंने आपको बताया था परसों की दीदी आई थी, उनकी कॉन्फ्रेंस भी है, तो उनके यहाँ पर आज फैमिली फंक्शन भी है एक, तो उन्होंने हम लोगों को इनवाइट किया है। आज उनका विश करने के लिए फ़ोन भी आया था और
दो बार वो हम लोगों को बोल चुकी हैं कि तुम लोग मतलब आ जाना यहाँ पे। एक्चुअली वो जहाँ पे उनकी कॉन्फ्रेंस है ना, वो हमारे घर से बहुत दूर है, 1-1.5 घंटा लग जाएगा यहाँ से जाने में। खड़की खड़की नहीं, खराड़ी के आसपास है। मुझे एक तो यहाँ के नेम ना बॉम्ब जैसे लगते हैं, याद भी नहीं होते हैं। खराड़ी के आसपास है, तो जो लोग मतलब पुणे में हैं उनको पता ही होगा कि पिंपले सौदागढ़ से खराड़ी कितना दूर पड़ेगा। तो बस वही देखना है कि अनवित के हिसाब से हम लोग खराड़ी जाएं या फिर यहीं पे ही आसपास कहीं पे डिनर कर लें। तो अभी जो प्लान है ना वो एकदम अनडिसाइडेड है, तो ऐसा कुछ नहीं। आज का डे ना एकदम सिंपल है, कोई प्लान डे नहीं है। जैसे हर बार क्या होता था ना, वहाँ पे मैं प्लान करके रखती थी, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा और ज्यादा मैं बिजी हो गई हूँ, तो ऐसा मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया है। तो अनप्लान डे है, तो इसीलिए मैं आपको क्लियर विजन भी नहीं दे सकती कि हम लोगों का शाम का क्या प्लान रहेगा। तो जैसे जैसे रहेगा आज का हमारा डे वो आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। तो बस अभी मुझे अपनी देखनी है ड्रेस कि मैं शाम को क्या पहनूंगी। ये वाली भी मेरी एकदम न्यू ड्रेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया। शाम के लिए अभी वही सोचना है कि वेस्टर्न पहनूं या फिर अगेन सूट पहनूं। तो उसमें मैं कंफ्यूज हूं, क्योंकि बहुत बार मतलब ऐसा रहता ना, सौरभ हमेशा बोलते हैं जब इंसान के पास ज़्यादा कपड़े होता है ना तो तभी कन्फ्यूज़ होता है, अगर 2-4 कपड़े हो ना तो वही डिसाइड हो जाता है। मैंने कहा तुम्हारा कहना भी ठीक है, एक्चुअली मुझे लगता है कि ट्रू है वाली बात। तो बस अभी देखती हूँ कि क्या पहनना है, डिसाइड करती हूँ, फिर आप लोगों को भी दिखाती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अभी हम लोग तैयार हो गए थे और निकले हैं। सबसे पहले मंदिर जाएंगे, और क्योंकि आज सुबह हम लोगों ने मंदिर के दर्शन नहीं किए थे जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन अभी हमारे घर के पास में ही शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे हम लोग दर्शन करेंगे। और मेरा जो आज का आउटफिट है ये आप लोगों ने देखा हुआ है, मैंने आगरा वाले फोटोग्राफ्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तब मैंने ये वाला आउटफिट पहना था, मेरी दीदी ने मुझे गिफ्ट किया था ये वाला। और आज के जो फुल फोटोग्राफ है वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी, ऐसे क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा हम लोग लेट ही हो गए थे। अभी टाइम 5:30 हो रहा है और सबसे पहले चलते हैं मंदिर, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ बाद की बातें। फाइनली हम लोगों के मंदिर के दर्शन हो गए हैं, और मंदिर यहाँ पे अभी थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है क्योंकि पहले यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति नहीं थी और शनि देव की मूर्ति नहीं थी, ये अभी लगी है ना यहाँ पे हनुमान जी का टाइम हो गया हनुमान जी का। लेकिन जब मैं सबसे पहले गए थे हम लोग शादी के बाद तब नहीं थे ना यहाँ पे, उसके बाद ही हुआ है ना, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद गई उस वाले मंदिर में और काफी चेंजेस हुए हैं। तो हमारे घर के पास ही मतलब ऐसे अच्छा मंदिर है और जहाँ पे हम लोग दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पहले डिसाइड हुआ था हम लोग कि मॉल जाएंगे, वहाँ से फिर हम लोग दीदी के पास चले जाएंगे, क्योंकि दीदी का फ़ोन आया था हमारे पास कि तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, आ जाओ मिलने के लिए, क्योंकि दीदी कल वापस बैंगलोर चले जाएंगी। और उस दिन भी फिर दीदी सिर्फ 2 आवर्स के लिए आई थी, तो ज़्यादा देर बात ही नहीं हुई क्योंकि पूरा टाइम ऐसे खाने वाने में ही बीत गया। तो यही सोचा कि चलो ठीक है, आज दीदी से मिल लेंगे, और अगर कहीं घूमने जाना है फिर कल कहीं मॉल जाना है वो तो हम कल भी जा सकते हैं, कल संडे है, लेकिन उनसे मिल लेते हैं और वापस फैमिली टाइम स्पेंड हो जाएगा, तो उनके साथ ही छोटा सा सेलिब्रेशन हो जाएगा। तो वही हम लोगों ने फिर ये सोच के डिसाइड किया, क्योंकि सौरभ का भी मन था दीदी से मिलने का वापस। तो अभी हम लोग वहीं के लिए निकले हैं, और वहाँ पहुँचने में हम लोगों को 1.25 घंटा तो आराम से लग जाएगा। तो अभी मैंने दर्शन वगैरह सब हो गए थे, और चलिए फिर मिलती हूँ आपसे, जैसे जैसे अपडेट रहेगा वो मैं आपको बताते रहूँगी। तो
भाई ये है हमारी दीदी जिनसे आप लोग लास्ट टाइम बोल रहे थे कि कौन सी दीदी आई, आप लोगों ने मिलवाया भी नहीं लास्ट टाइम। एक्चुअली मैंने ब्लॉग शेयर किया ना अपना, तो जब आप आए थे परसों तो, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी में तो बात बात कुछ भी नहीं होना। मिस्टर हेलो बोलो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मिलिट्री एरिया। दीदी ने थोड़ी सी परमिशन लिया, हम लोग दीदी की वजह से मिलिट्री एरिया में है, वैसे यहाँ पे परमिशन नहीं है, लेकिन छोटा सा क्लिप मैं शेयर करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं। यही है मोना ना, पक्का ना? हाँ, ये मोना जो है ना, ये आपकी वाइफ का नाम होगा, बट लोग मोना नहीं बोलते हैं। ओके ओके, आई कम हियर। एक आंसर यहाँ से लेते हैं, थोड़ा पीछे से। हाँ, वो उधर एक सरदार जी बैठे हैं, उनके पास मैं जाऊंगा। हाँ सर बताइए, आपके पास आ रहा हूँ मैं। सो आर यू रेडी? जब तक सब लोगों की आवाज ही आएगी तब तक शुरू। शालमली खोल खड़े। देखो, we interrupt our program to bring you this important message. नेक्स्ट डे हो गया है और बस अभी शावर लेके ब्रेकफास्ट करके बैठी थी, सोचा कि अपने व्लॉग का एंड कर देती हूँ, क्योंकि कल रात में आते आते हम लोगों को 1 बज गया था और बहुत ही ज़्यादा हम लोग थक गए थे। हम लोगों को एक्चुअली आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा इवेंट है और वहाँ पे वो सिंगर भी आने वाली है शालमली। तो वहाँ जाके पहुँचे तो पहले तो हम दीदी के पास ही गए थे आर्मी एरिया में, और मुझे तो ये भी आइडिया था कि हम आर्मी एरिया में जाएंगे, क्योंकि ऐसा लगा कि दीदी शायद जहाँ पे वो फंक्शन है, मुझे लगा कि जहाँ पे दीदी की कॉन्फ्रेंस है ऐसे ही कुछ छोटा इवेंट होगा और हम लोग वहाँ पे जाएंगे। लेकिन दीदी ने पहले हम लोगों को मतलब अपने आर्मी के गेस्ट हाउस में बुलाया। मैं सरों को बोली कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, तो फिर बोलने लगे कि दीदी का स्टे यहाँ पे है। तो फिर हम लोग वहाँ से और इधर जो दीदी का फंक्शन था वहाँ पे गए। तो ऐसे आर्मी अभी भी दीदी को मतलब प्रोवाइड करती है, वहाँ पे अलाउ नहीं था मतलब ऐसे फोटोशूट वगैरह करना। तो दीदी ने पूछा जो दीदी के यहाँ पे मतलब जो दीदी के यहाँ पे काम कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप ले सकते हो। पहले तो मना कर दिया था दीदी ने मुझे, लेकिन फिर मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया और ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि जब अलाउ नहीं है तो क्यों ऐसा करना, फोटोग्राफी तो फिर भी कर सकते हैं। तो बस वहाँ से हम लोग निकले और पता चला कि एक्चुअली उनकी बेटी बोल रही थी कि हम लोग वहाँ से निकलने में बहुत मतलब लेट हो गए, क्योंकि इतना जाम था छोटे से पैच में ही। तो जो दीदी की बेटी है निष्ठा, वो बोली कि मेरा तो ये वाला सॉन्ग ही निकल जाएगा, बलम पिचकारी। तो मैंने कहा कि कौन आ रहा है और क्या है, तो फिर दीदी ने बताया कि ऐसे मतलब इतना बड़ा इवेंट है और वहाँ पे वो सिंगर आने वाली है। मैंने कहा कि चलो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि हम लोग मतलब ऐसे लाइव कॉन्सर्ट भी सुन लेंगे। और फिर डिनर वगैरह सब वहीं पे हुआ। तो कल का डे तो हम लोगों का ऐसे रहा, और सौरभ आज बोल रहे हैं कि कल चूंकि हम लोगों ने कोई केक कटिंग वगैरह नहीं किया, तो आज बोल रहे थे कि आज एक केक लेके आते हैं, कट करते हैं। तो मैंने कहा कि एनिवर्सरी निकल गई, क्योंकि केक कल मैंने आपको बताया था कि पुडिंग दिन में खा ली, कल वहाँ पे भी काफ़ी कुछ था खाने के लिए, तो केक वगैरह वहाँ पे खा लिया। तो आज वापस से केक कट करना मुझे
ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है कि केक कट करना है, वैसे अभी तक तो हमेशा कट करते आ रहे हैं, लेकिन आज देखते हैं कि कैसा रहेगा, क्योंकि सौरभ का मन है कि मैं एक छोटा सा केक लेके आऊं और कट करूं, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है देखते हैं। और बस आज का जो व्लॉग है ये तो मैं यहीं पर ही फिनिश करूंगी, छोटा सा व्लॉग, और इसको जल्दी से पोस्ट करूंगी वरना बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आज कुछ स्पेशल करने वाले हैं हम लोग एनिवर्सरी का, कल भी स्पेशली था क्योंकि अच्छा खाना खाया, मस्ती करी, और क्या, अगर और कुछ किया आज तो आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर करूंगी, लेकिन ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर ही फिनिश करूंगी। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।